लेक्चर टू क्लास नाइन्थ कदर अयास का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 86 और 87 की रीडिंग कल हुई है। 87 पेज कंप्लीट नहीं था, टेलीविज़न के सामने जम जाते हैं, यहाँ तक था। जितना एक दिन के लेक्चर में आप रीडिंग सुनेंगे उस दिन में आपने उतना उसका ऑब्जेक्टिव और उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ याद करने हैं और इसकी अच्छे से रीडिंग आपने करनी है और ऑब्जेक्टिव उसमें से स्पेशली जो है ना प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहिदे में मुखिल या शरीक हो। मुशाहिदा यानी वो जो देख रहे होते थे टेलीविज़न के सामने जम कर टेलीविज़न देख रहे होते थे, किसी के मजाल यानी जुरत नहीं होती थी कि वो इस मुशाहिदे में यानी टीवी देखने में मुखिल या शरीक हो। मुखिल होना दखल अंदाजी करना, सिवाय इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श उनकी तवाज़ो के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और ख़ारिज होता। यहाँ पर एक नया करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, मुलाजिम का नाम अली बख्श है, बूढ़ा मुलाजिम था कर्नल मोहम्मद ख़ान का, जो कि खामोशी से उसकी खिदमत के लिए तवाज़ो खिदमत के लिए खामोशी से कमरे में आता जाता रहता था। अली बख्श को यूँ भी सलीम से उन्स था, उन्स प्यार के उसी के हाथों में पला था। एक दिन मैं अपने मुताले के कमरे में बैठा था, मैं से मुराद यहाँ पर मुसन्निफ हैं, कि अली बख्श खिलाफ मामूल रोनी सूरत बनाए दाखिल हुआ। वजह गिरानी रोने की वजह पूछी तो कहने लगे, सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज़ हो, गंवार हो, देहाती हो। मैंने इन इरशादात की शान नज़ूल पूछी। शान नज़ूल का वैसे लफ्ज़ी मतलब होगा कि नाजिल होने की शान, तो यहाँ पर जो है वो मतलब होगा कि जो उसने सलीम मियाँ ने डांटते हुए बदतमीज़ गंवार और देहाती कहा है, तो इन लफ्ज़ों को क्यों बोला, क्या वजह थी, क्यों जो है वो इस तरह से उसे पुकारा गया। तो बोला, कल सलीम मियाँ की गैर हाजिरी में उनके एक दोस्त अमजद साहेब आए और बाहर बरामदे में ही आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनके कहने पर उन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चल दिए। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से से बोले, कहने लगे इन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों ना बिठाया। गोल कमरा जो है उस ज़माने में ड्राइंग रूम को कहा जाता था। रेफ्रिजरेटर से निकालकर कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाज़ो का सलीका नहीं, देहाती हैं, जंगली हैं, और फिर जो मुँह में आया कह दिया। अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना, तरफैन के बयानों से वाजे था, तरफैन दोनों तरफ के तनाज़ा बहुत खफीफ है, तनाज़ा झगड़ा खफीफ, हल्का, छोटा, कम, और ये कि दो तरफ़ा तूफ़ान का हदूद अरबा एक चाय की प्याली में समा सकता है। यानी दोनों तरफ जो इतना गुस्सा दोनों लोगों को आया, दोनों फरीकों को जो गुस्सा आया हुआ है, तो वो सारे का सारा अगर एक प्याली चाय की मिल बैठ कर पियेंगे तो उसमें सारा गुस्सा ख़त्म हो सकता है। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि उसे देहाती कहा गया था, और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम गुस्सा थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद उन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबले बर्दाश्त कबाहत ना थी, कबाहत बुराई। चुनाचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए, और इस बलागत के साथ कि सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए, बलागत तफसील के साथ, बहुत डिटेल के साथ, और बहम राज़ी हो गए, बहम एक दूसरे के साथ आपस में। बातों बातों में हम उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। अब यहाँ पर हम जो बार बार लफ्ज़ आ रहा है उससे मुराद मुसन्निफ़ हैं। एक था लड़का, अब वो एक देहाती लड़के का किस्सा सुना रहे हैं। एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा चौधरी या चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठेठ देहाती। ठेठ देहाती यानी बिल्कुल पक्का पेंडू। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमत और पाँव में पोठोहारी जूता। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज़ में बोला, ओ खुदा सुथन ते कुड़ियाँ पाउंदियाँ ने। यानी नीचे इसका उर्दू में लिखा हुआ है कि ओ खुदाया शलवार तो लड़कियाँ पहनती हैं। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले, सचमुच पक्का पेंडू था, मगर अब्बा जान वो पतलून क्यों नहीं पहनता था। मैंने कहा, बेटा ये आज से 40 बरस पहले की बात है, इन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते उन्हें वलायत पहुँचा आते।